इस साल में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल मोटोरोला का G85। हाँ दोस्तों, ये मोटोरोला का G85 है जो कि इस साल में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल है। और मोटोरोला का बहुत सारा मॉडल है जो कि इस साल में बहुत ज़्यादा बिका है, और कंपनी का बहुत ही अच्छा कोशिश है, कम प्राइस के अंदर बहुत ही बढ़िया फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ये मोटोरोला का G85 है और ये स्कार्प डिस्प्ले के साथ आता है। लेकिन इसमें जो है आपका 4K सपोर्ट नहीं है, तो फिर भी फ़ोन प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादा बिकने का कारण एक ही है कि ये प्राइस 17,000 के अंदर स्कार्प डिस्प्ले कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ मोटोरोला प्रोवाइड कर रहा है। और भी कोई है ब्रांड जो कि प्राइस घटा के 17,000 के आसपास लेके आया, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल मोटोरोला ही है। क्यों है आपके आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो कुछ हमारा बॉक्स के साथ ये पेपर दिया है और एक चार्जर, नॉर्मल सा चार्जर जो कि बहुत ही बढ़िया है, और 33 वाट का चार्जर है जो कि नॉर्मली आप कहोगे, लेकिन उसमें जो चार्ज होता है वो बहुत ही फास्ट नहीं होगा, लेकिन अच्छा खासा है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और टाइप सी टू USB आपको केबल मिल जाएगा। तो फ़ोन को साइड बॉक्स को साइड में रख के फ़ोन के ऊपर आएंगे, एक नोटिस दिया है UV ग्लास में। तो बहुत सारे दोस्त का कंफ्यूजन ये रहता है कि स्कार्प डिस्प्ले में ग्लास लगाओगे तो आपका वारंटी जो है कैंसिल हो जाएगा। तो नहीं दोस्तों, वारंटी तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक वो आपका जो ग्लास लगाने के लिए जो ग्लू इस्तेमाल होता है वो अगर आप एक्सपर्ट से लगाओगे तो ग्लू का जो लिमिट है वो लिमिट नाप के देगा और आपका फ़ोन के अंदर ग्लू नहीं जाएगा और आपका वारंटी जो है कैंसिल नहीं होगा। अगर आपका कुछ कंडीशन में ग्लू अंदर जाता है तो आपका जो है वारंटी निकल जाएगा। ग्लू अंदर जाएगा तो वारंटी निकल जाएगा, कंपनी ने वारंटी नहीं देगा। अगर ग्लू नहीं जाएगा तो आप कंपनी को कह सकते हो कि ग्लू अंदर नहीं गया, तो आप वारंटी दे सकते हो। लेकिन बहुत सारा केसेस में ऐसा हुआ है, कंपनी का जो सर्विस सेंटर है उसका कहना ग्लू तो नहीं गया, फिर भी कंपनी को कस्टमर को वारंटी ना देने के लिए उन्होंने कह दिया कि ग्लू चला गया, लेकिन ग्लू नहीं गया, वारंटी ना देने के लिए उन लोगों ने कहा कि ग्लू गया है इसीलिए वारंटी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान में रख के लगाना है यूवी ग्लास। और इसका जो फ़ोन का परफॉर्मेंस है बहुत ही स्मूथ है, मैंने एक हफ्ता चलाया, ये कोई कंपनी का पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा जेन्युइन वीडियो है। और क्या सच है, कौन क्या रियल है, मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ मेरे हर वीडियो में, हर फ़ोन की रिव्यू में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना कि फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, और फ़ोन में कोई भी एक्स्ट्रा ऐप नहीं दिया है कंपनी का, ये चीज़ मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। कंपनी में कोई भी एक्स्ट्रा ऐप जो अनयूज्ड ऐप है, जो आप लोगों के लिए कोई भी काम का ऐप नहीं है, वो बहुत सारा कंपनी ने डाल देता है, लेकिन मोटोरोला ने क्या किया, मोटोरोला ने कोई एक्स्ट्रा ऐप आपको नहीं दिया। और कुछ ऐप दिया है वो कंपनी की ओर से जो आपके काम में आएगा, और बाकी के जितना भी आपको ऐप है उसमें वो ये फ़ोन में नहीं देखने के लिए मिलेगा। और साइड का जो फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया है, नीचे में सिम इजेक्टर टूल्स और USB टाइप और माइक आपको मिलेगा। आते हैं कैमरा क्वालिटी में, तो दोस्तों 4K सपोर्ट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन फ़ोन का जो कैमरा क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल का है। इस प्राइस में स्कार्प डिस्प्ले उसके बाद ये कैमरा क्वालिटी देना हर कंपनी की बस की बात नहीं है। और इसका जो फ्रंट कैमरा वो बहुत ही बढ़िया है, हालांकि थोड़ा सा कम है बैक के मुकाबले, वो हर फ़ोन में ही होता है, लेकिन इसका जो बैक का कैमरा है वो नेक्स्ट लेवल का है। और ये कुछ फ़ोटो है उस फ़ोन का जो आप देख सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके